हिंसा को भी मैं समझ रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं अपने बारे में इतना ज़रूर बतलाना चाहूँगा ताकि मेरी बात को गौर से सुना जा सकता है। मैं पार्लियामेंट मेंबर तो था ही, लेकिन मैं चेयरमैन था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। जब दोनों कमीशन एक होता था तो मैं उसका आखिरी चेयरमैन था, और इसलिए मेरे सामने इस प्रकार के बहुत सारी समस्याएँ मेरे सामने आई हैं। मैं उनका तो जिक्र करूँगा अगर आप अवसर देंगे तो, लेकिन आज तो मैं खास तौर से जो कल सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ है मैं उसका अध्ययन करके मैं उस पर आया हूं और आपके सामने वो विषय में रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे ढंग से यह विचार व्यक्त किया है कि आखिर में जो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिए जाते हैं तो इनका लाभ जो शेड्यूल कास्ट में भी तो बहुत सारी अन्य जातियाँ हैं तो सभी जातियों को कैसे मिले, ये उनकी बड़ी चिंता है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार असमानता दूर करने की बात कही है। कहीं मुझे भी इस बात में तकलीफ होता है, मैं चूंकि उसी वर्ग से हूँ तो इसलिए मैं इस दर्द को अच्छे ढंग से समझता हूँ, लेकिन कुछ समस्या इस हमारे सामाजिक ढांचे की के रूप में भी हैं। हमारे देश में 6,500 जातियां हैं प्रतीक जी, और उपजातियां हमारे देश में लगभग 50,000 से ज़्यादा हैं, ये कटु सत्य है। इतना ही नहीं, सिर्फ एक ब्राह्मण जाति में 1,008 उपजातियां हैं, सिर्फ एक क्षत्रिय जाति में 1,265 उपजातियां हैं, अगर दलितों में आ जाएं तो सिर्फ एक चमार जाति में 410 उपजातियां हैं, सिर्फ एक वाल्मीकि जो सबसे हिंदू फोल्ड में सबसे लोअर कास्ट मानी जाती है, सिर्फ एक वाल्मीकि जाति में 623 उपजातियां हैं। एक खटिक जाति है भारतवर्ष में जो दलित जाति श्रेणी में आती है, एक खटिक जाति में सिर्फ 1871 उपजातियां हैं, यानी कास्ट विद इन कास्ट। अब आप कल्पना कीजिए कि हमारे पार्लियामेंट में तो 552 पार्लियामेंट मेंबर बैठते हैं और हमारे यहाँ जातियां 6,500 हैं और 50,000 से ज्यादा उपजातियां, तो पार्लियामेंट में देखा जाए तो सभी जातियों का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, ना होना संभव भी है। देखिए, ये असमानता की बात कह के कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और उनके विद्वान न्यायाधीशों की भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, पर समानता की बात कहना, मेरे ख्याल से इस जगह अगर वो भागीदारी की बात करते तो ज्यादा उचित होता। समानता की जरूरत तो पूरे देश को है, 130 करोड़ लोगों को समानता की जरूरत है, पर यहाँ भागी आरक्षण जो दिया जाता है ये भागीदारी के लिए दिया जाता है। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के जो पहले प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, और जब आरक्षण पर चर्चा किया जा रहा था तो उन्होंने बेलगाम के एकदम से उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर से कहा था कि डॉक्टर साहब अगर हम आरक्षण देंगे तो ऐसे तो सत्ता और शासन में अयोग्य लोगों की भागीदारी हो जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर ने जो उसका उत्तर दिया था तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्तब्ध रह गई थी। उन्होंने कहा था कि पंत जी, यहाँ योग्यता अयोग्यता की बात नहीं है, यहाँ भागीदारी की बात है, नहीं तो अंग्रेज तो हमसे ज्यादा योग्य है, क्या उन्हीं के सहारे हम देश को छोड़ सकते थे? तो आज भी जो 552 एमपी चुने जाते हैं, ठीक है, मैंने योग्यता अयोग्यता के आधार पर नहीं चुने जाते हैं जी, मैंने आपकी बात भागीदारी के लिए चुने जाते हैं, ठीक है विजय जी, सबको विजय जी ने कहा कि